ज्ञानवापी में जुनिया केस दर्ज हुआ था सिविल कोर्ट में, उसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और अगली सुनवाई 30 मई सोमवार को होगी। नई याचिका की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 मई को सुनवाई होगी। जज मयंक पांडे सुनवाई करेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अभी नया केस ट्रांसफर कर दिया गया है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में। नया केस फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका में गुंबद ध्वस्त करने और पूजा की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। 30 मई को अब अगली सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुंबद को ध्वस्त करने और पूजा के अधिकार का ये पूरा मामला है। 30 मई सोमवार को इस नए केस की सुनवाई होगी। मयंक पांडे यहाँ जज होंगे। पुराने केस का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। प्रेयर मैं क्लियर कर चुका हूं डिक्लेरेशन को लेकर के। ओनरशिप एक्सक्लूसिव हो डीटी की, इसको लेकर के डिक्लेरेशन कोर्ट करे। दूसरा प्रेयर हमारा है कि जो एनक्रोचमेंट किया गया, सुपरस्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसको हटाया जाए। तीसरी जो प्रेयर है वो हमारी ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है उसको हटाया जाए और हमारी कंप्लीट वर्कशिप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ऑब्जेक्शन के कंटिन्यू कराई जाए और ये अश्योर करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रोटेक्शन। आज जिरह भी हुई इस मसले को लेकर, क्या क्या जिरह नहीं हो, जिरह नहीं हो पाई है क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं थे। मंडे की डेट है, मंडे को आर्ग्यूमेंट होगा 31 को, 31 तारीख जी, मंडे 30 में जी, 30 तारीख की डेट दी गई है। जब ये मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ पेंडिंग है तो ये कोर्ट कैसे सुन सकते हैं? देखिए ये अनदर मैटर है, सब केसेस अपने आप में अलग है। इसी रीजन से कल ये केस एडमिट किया गया है। केस का फैक्ट अलग है, सबस्ट्रेटम अलग है, स्ट्रेटम अलग है, इसको आप साथ में नहीं देख सकते। सातों केस अलग है, ज्ञानवापी को लेकर 7 केस चल रहे हैं। सबका सब्जेक्ट मैटर अलग है, सबकी प्रेयर अलग है, इसको साथ में देखने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक बार बताइए, एडिशनल बहुत सारी पिटीशंस फाइल।